सीनियर मंत्री जी डगरिन को दान दक्षिणा देकर के भेजा दीजिए। ठीक है महारानी जी, इधर सुनिए ना, आप जाइए आपके अकाउंट में पैसा भेज देंगे, जाइए। श्री मंत्री जी, महारानी जी आज बहुत खुशी की बात है, जो कि आज मेरी कोख से एक लड़का जन्म लिया है। छोटी महारानी जी, हाँ आई खुशी में नपटोलिया बोरा बोरा सत्तू लुटाई दी। हाँ सत्तू सत्तू लुटाता है, सुनिए मैं इस बच्चे का नाम रखना चाहती हूँ। छोटी महारानी जी ई छोवाक नाम हम रखबो। आ रखिए तो 6 महीना से बड़का बाबू जैया महाराज ने शादी करके लेल के छोटी महारानी जी के वही सोचते सोचते 6 महीना के बाद आए 9 महीना के बाद आ सोचे रे कि यहां से नामकरण रखबे अब छोवाक नाम हम रखबो। रखिए जल्दी से रखिए महारानी जी ई छोवा केनो नाम रखबो ने नो नाम रखबो कि ढोल बच्चा बाजार में छोड़वा का नाम बिकतन किलो 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 किलो। कैसा नाम रखेगा किलो दो किलो बिकेगा ई छोड़वा का नाम राज दा भट्टा बेगन। हट हट अरम ज्यादा कहीं का राजा महाराजा का पुत्र है भट्टा बेगन करता है। मंत्री जी क्या हुआ आपको? छोटी महारानी जी छोड़वा हमरा मैं बहन तो नहीं करेंगे जाना गाना बजबो राम जी। हट हट जी ये नाम पसंद नहीं हुआ ना, ना दूसरा नाम रख देते हैं। बोलो जल्दी बोलो, बोलो। अब ये अच्छा सा प्यारा सा मोटा सा बहुत छोटा सा बोलो बोलो ई छोड़वा का नाम आराम ज्यादा कहीं ढोरवा है मेरे टीम में। सुने दे इस बच्चे का नाम मैं रखती हूँ। इस बच्चे का नाम आज दिन से मैं उत्तम कुमार रखती हूँ। मेरे राज का नाम उत्तमपुर शहर और मेरे स्वामी का नाम राजा उदमपाल सिंह और मेरे पुत्र का नाम उत्तम कुमार। बाबू तीनों यक्षय राशि के सब एक लौवा के मुड़लो छ। साला लौवा भी तू होता है। ठीक है मंत्री जी, अति सुंदर की बात है, मुझे आराम की जरूरी है, मैं बिल्कुल कमजोर हो गई हूँ। ओ महारानी जी आप कमजोर हो गई हैं। महारानी जी अभी जो देख रहे हैं ये कितना बल्ब बर रहे हैं, जैसे नाच बन होगा जनरेटर का पानी आपको चार ड्रम चढ़वा देंगे। इतना मार मारूंगी ना खाने वाला बर्तन भांग दूंगी। खै भन तोरे बर्तन सर। हाय ले चांदी का डोरी सोने का पलेना झूला झूलाते ओ मेरे ललेना। चांदी का डोरी सोने का पलेना झूला झूलाते ओ मेरे ललेना। चांदी का अब मेरा पोत कुछ होशियार हो चुके हैं। आज मैं अपने पोत को आप सबके सामने बुला रही हूं।
ना जाने मेरा बेटा झोपड़ी छोड़कर कहाँ चला गया खेलने के लिए। हल हल हे कहाँ मेरे खेले चेहरे दूलर और अपनी टूटी हुई झोपड़ी में तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ। किसके कारण रो रही है माँ? मैं तुम्हारे यादों में रो रहा था। तुम झोपड़ी छोड़कर कहाँ गया था? हे भगवान, मैं अपने झोपड़ी को छोड़कर जंगल चला गया था माँ। क्या जंगल? आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी, भूख के कारण मुझे दर्द सहा नहीं गया। मैं सोचा जंगल में जाऊंगा, कहीं से फल फूल तोड़कर खाऊंगा तो मेरा भूख मिट जाएगी। परंतु मैं कैसा अभागा, मैं जिस वृक्ष के पास गया ना तो मुझे फल मिला ना फूल दिखाई दिया। एक सूखी हुई डाली को देखकर निराश होकर मैं वापस चला आया। क्या आज तुम भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई हो माँ? हे तुहारो रे, क्या हुआ माँ? बोलिया रे दूनी के क्या कह रही हो माँ? क्या बताऊ, आज भिक्षा मांगने के लिए गई थी लेकिन आज मुझे किसी माँ बहन ने इस नगर बस्ती में भिक्षा मुझे नहीं दिया। क्या आज तुम्हें भिक्षा नहीं मिला? नहीं मिला मेरे लाल, इसीलिए खाली आंचल लेकर अपने झोपड़ी में आकर निराश होकर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर इस वक्त मुझे खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो जंगल में मैं तरफ तरफ के मर जाऊंगा। नहीं पुत्र, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा बेटी। तू जानती है माँ, गोली लगी हुई शरीर में दाग मिट सकता है, अगर भूख की गोली लग जाए वो मानव तरफ तरफ के अपना प्राण गंवा देता है। आज मुझे संसार में भूख की गोली लगी है माँ। इस संसार में पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर, अगर एक भी तत्व कम हो जाए तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। आज अन्न और पानी के बिना मैं सिर्फ कांप रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, इसलिए कुछ भोजन का प्रबंध करो माँ। ठीक है बेटी,
आज मैं नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे लिए अवस्थ में कुछ खाने के लिए मांग कर लाऊं। मेरे लिए? हाँ बेटा, लेकिन लेकिन क्या मैं समझा नहीं माँ? जब जब मैं भिक्षा मांग कर आपस नहीं आऊंगी, तब तक तुम अपना झोपड़ी बैठ कर मेरा इंतजार करना पुत्र। तुम्हारी दिया हुआ वचन को पालन करूंगा माँ। आज जब तक तुम भिक्षा मांग कर इस नगर बस्ती से लौट कर मेरे पास नहीं आओगी, मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर तुम्हारी राह देखूंगा, इंतजार करूंगा कि मेरी माँ भिक्षा मांगकर कब मेरे पास आए। ठीक है बेटा, मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी से चले जाऊंगा। प्रणाम माँ। जी तेरू मेरे लाल। हे मैया जबरे चल लो रे बेटा रे, भगवान के लिए जल्दी से चले जाओ माँ। जाने मेरी माता श्री माँ और बेटी की ऐसी दुर्दशा है, जंगल में एक टूटी हुई झोपड़ी बनाकर रहती है बिचारी। मेरी माँ कितने दर्द कितने कष्ट को सह रही है। सुबह खाती है तो शाम के लिए सोचती है, अगर शाम खाते हैं तो सुबह के लिए सोचती है। रात दिन भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, परंतु आज तक अभी सुखी नहीं मिला। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जा रहा है। आज तो मेरी अंतिम सांसें चल रही है। अगर मेरी माँ को मांगा हुआ भिक्षा नहीं मिला, मुझे भोजन नहीं मिला, तो मेरा प्राण नहीं बचेंगे। ऐसा मैं अभागा हूँ। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं। शायद कोई गरीब होंगे तो माँ और बेटे जैसा कोई बदनसीब नहीं। दाने दाने के लिए फिरता हूँ। इस आत्मा के शांति के लिए दो वक्त की रोटी पाने के लिए माँ और बेटे व्याकुल रहते हैं। संसार कोई सहारा मिल जाए प्रभु। जाते समय मेरी माँ ने वचन दिया है कि ध्रुव, जब तक मैं लौट कर वापस नहीं आऊं, अपनी टूटी हुई झोपड़ी को छोड़कर कहीं मत जाना। माँ का दिया हुआ वचन को पालन करते हैं। मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर परमात्मा का अंतर ध्यान हो जाऊंगा। शायद ऊपर वाले की कृपा से मेरी माँ को अवश्य भोजन मिलेंगे। इसीलिए किसी कवि ने सच ही कहा है। और आइए दान स्वरूपी गंगा में दान के हाथ आगे बढ़ाए हैं। कुछ पुरस्कार है। और आइए पुरस्कार के दौर में आए हुए हैं आप सब के बीच में। और यह हमारे फुलकिया से चलकर आए हुए हैं अकलेश डीजे साउंड सर्विस के प्रोप्राइटर अकलेश जी। आइए उनके ओर से 1001 रुपए का पुरस्कार आए हुए हैं। लागे जे लॉकडाउन में कमाई भले। हेलो, तो आइए मैं अपने कार्यक्रम में
श्री अखिलेश मंडल जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान से दुआ करेंगे आपका बिजनेस टेंट हाउस अच्छे चले और चलता रहे, समाज सेवा में लगे रहे, परमात्मा से ही मेरा दुआ है। और किसी कवि ने सच ही कहा है कि तुलसी पक्ष के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहा रघुवीर। मैं अपने कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। जब तक मेरे माता श्री लौट कर वापस नहीं आएंगे, मैं परमात्मा का गुणगान ऐसे ही करते रहेंगे। पंचम बिहार। और किसी कवि ने सच ही कहा, हेलो हेलो, अरे दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को आइए एक सोहर भजन से सेवा करेंगे। तब तक मैं मेरी माता श्री जरूर मेरे लिए भोजन लेकर आएंगे। आगे में बैठा दीजिए। हेलो, हमारे गृहपति महोदय से निवेदन है कि पीछे लोग देख रहा है, आगे में जो खड़े हैं माता बहनों इसे बैठाएं। प्रोग्राम देखना है, बैठ के देखिए। हेलो, केरे लगाबे आ तुलसी के गछिया केरे, आ पानिया पटाबे छे, केरे लगाबे जय हो मास्टर साहब।